आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। सुजानपुर में रैली के दायरान लगा बिजली कट, अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर कसा तंज। कुटेडा हमीरपुर 10 मई 2024 रामदा जी जिला हमीरपुर के सुजानपुर विधानसभा सुजानपुर के चौगान में भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र राणा की नामांकन रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दावा किया कि भाजपा चारों लोकसभा सीट जीतकर चौका और 6 विधानसभा सीट जीतकर छक्का लगाएगी। आज एक बार फिर विधानसभा के चुनाव हो रहे और जो समय 3.5 साल बाद आना था आपको अवसर आज 3.5 साल पहले मिल रहा है। पूरी ताकत के साथ मेरे भाइयों को अगले 25 दिन घर घर जाना है, वोट मांगना है। हम मेहनत करेंगे तो जीत भी बड़ी होगी, इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है आप सब लोग घर घर जाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट भी मांगेंगे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि आज कांग्रेस की हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है। 15 महीनों में उनको बताने के लिए कुछ नहीं, आज वो कोसने के अलावा कोई दूसरा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लेकर आए हैं, लोहार, तरखाण, मोची, नहीं कुम्हार, बुनकर, ऐसे 18 तरह के काम, इनमें से कोई काम सीख रहा हूँ मुफ्त में प्रशिक्षण मिलेगा, 500 रुपए दिहाड़ी मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा, 15,000 रुपए की किट मिलेगी और 3 लाख रुपए का ऋण मोदी की गारंटी पे मिलेगा, अपने पांव पे खड़ा होने का अवसर मिलेगा। आप अपने घर पर बिजली पैदा करना चाहते तो सौर ऊर्जा प्लांट लगाइए, 40% सब्सिडी मोदी सरकार दे रही है, 300 यूनिट बिजली के पहले आपको हर महीने मुफ्त मिलेंगे, बैंक का किश्त भी वापिस चली जाएगी और 15,000 रुपया मुनाफा आपके खाते में हर साल जमा कर दिया जाएगा, बिजली भी मुफ्त और मुनाफा जमा कर दिया जाएगा। मेरे भाई और बहनों, इन 10 सालों में हमने प्रयास किया हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का चौमुखी विकास करने के, एम्स भी बनाया 1760 करोड़ रुपए का, पीजीआई 500 करोड़ रुपए का, ऊना में तीनों जिलों में जच्चा बच्चा अस्पताल, हमीरपुर में 300 करोड़ रुपए का नया मेडिकल कॉलेज और 300 बिस्तर का अस्पताल, ट्रॉमा सेंटर से लेकर नर्सिंग कॉलेज बनाए, हमीरपुर में टेक्निकल यूनिवर्सिटी NIT और यहाँ से लेकर करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी, बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज हो तो ऊना में IIIT हो, 13 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो तो 6 नए केंद्रीय विद्यालय हो, ये सारे मोदी सरकार की देन है और आगे और करवाना है। हमने 4-लेन हाईवे हमीरपुर से शिमला का बनाना शुरू कर दिया, हमीरपुर से पठानकोट का तेजी से बन रहा है, बिलासपुर से कीरतपुर का पूरा कर दिया, हमने 1,000 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कर दिया। मेरे भाई और बहनों, यहाँ से बिलासपुर की सड़क 300 करोड़ में पूरी कर दी, हमीरपुर धर्मपुर मंडी सड़क 1200 करोड़ में बन रही, तेजी से काम चल रहा है, हमीरपुर से जलंधर सड़क हमने 500 करोड़ की पहले बनवा दी, नदौन से रानीताल की सड़क 100 करोड़ में बना दी, कुमारवी से लेके सरका घाट की 80 करोड़ की सड़क बना दी, हमने हमीरपुर का बाईपास पहले बना दिया, ये तो पहले बन चुके सैकड़ों करोड़ रुपए की सड़कें हमने सुजानपुर में मोदी सरकार से सेंट्रल रोड फंड से लेकर हमारे नाबार्ड से लेकर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में मंजूर कराई और बनाई, आगे भी कोई कमी नहीं आने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सदा विकास किया, भारतीय जनता पार्टी ही विकास करेगी, अब तो एक नहीं दो दो कमल खिलाने का मौका आ गया है मेरे भाइयों का। मैं आपसे कहने आया हूं चारों की चारों लोकसभा सीटें जीतकर भाजपा चौका लगाएगी तो 6 की 6 विधानसभा जीतकर छक्का भी लगाएगी। वैसे भी IPL का सीजन चल रहा है, अब तो बिजली के बिल माफ होते थे जयराम जी की सरकार में, लेकिन कांग्रेस के समय बिजली के बिल भी आने शुरू हो जाएंगे और बिजली के कट तो लगने शुरू हो ही गए। इन्हें बिजली और कनेक्शन कटिया तो यह सरकार का कनेक्शन कटी दवा।
इनको क्या लगता है बिजली काट के क्या आवाज बंद कर देंगे? अरे इनके एक नेता है मणिशंकर अय्यर, वो कहते हैं पाकिस्तान के पास एटम बम्ब है। अरे उनके पास कुछ भी हो, उनके पास परमाणु, उनके पास अगर एटम बम है तो भर भारतीय सैनिक में बहुत दम है, घर में घुस कर मारते हैं। अरे मेरे भाई और बहनों, कांग्रेस वालों से पूछो, अरे रहते हिंदुस्तान में हो, भाषा पाकिस्तान की बोलते हो, वो कहते पाकिस्तान वालों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। मैं कहता हूँ भारत की बेटियों ने चूड़ियां पहनी है तो हाथ में AK-47 पकड़ के घुसपैठियों को कब्रिस्तान भेजने की भी ताकत रखती है। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूँ, कांग्रेस ने मन बनाया है, कांग्रेस ने मन बनाया है कि जिनकी बीवियां 2 से ज्यादा हैं और बच्चे ज्यादा हैं उनको देश के संसाधन दे देने, उन सोची लो कुछ कुछ जो मिल रहा, 10 नहीं लोड तो नहीं पैनी कि पैनी लोड कोई। अब तो स्त्री धन, पशु धन, आपकी संतान की संपत्ति सब खतरे में, जीते जी तो पता नहीं है, मरने के बाद भी बचेगा नहीं बचेगा। आपके जाने के बाद आपका पैसा, आपकी संपत्ति आपके बच्चों की होनी चाहिए क्या? आपकी संपत्ति आपके बच्चों की होनी चाहिए क्या? किस किस को लगता होनी चाहिए? यानी कि पिछले वक्त मेरी बात नहीं देखते थे, कोई तो पूछा इतनी बात है बस। मेरे भाइयों बहनों, कांग्रेस एक सर्वे करवाने जा रही है, आपकी संपत्ति संसाधन पूछने जा रही है और ये देखेगी किसी के पास ज्यादा है तो कहीं किसी और को देने का भी शायद ऐसा कुछ मन बना रही है। और अगर ऐसा भी मन बना रही है तो आपको एक बात सोचनी होगी, अगर सर्वे करके ये पता लगाएंगे अगर सर्वे करके ये पता लगाएंगे कि आपका कितना पैसा है, कितनी जमीन है, कितने गहने हैं, कितने घर है, और उसके बाद कांग्रेस शायद ही मन बना रही है कि आपके पास अगर बच्चे कम है, पत्नी भी एक से गुजारा कर रहे हैं तो ज्यादा वाली को दुगना देने वाले हैं, ज्यादा बच्चे वालों को ज्यादा देने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं, कांग्रेस का घोषणा पत्र कह रहा है। इस तारियां मारने वाली गाली बात पता लगना हाथ खाली नहीं गया है। मेरे भाई और बहनों, बहुत चिंता की बात है कि कांग्रेस जातिवाद, धर्म, क्षेत्रवाद के नाम। भारत माता की, भारत माता की, मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, मोदी जी को जय श्री राम। ठाकुर जी, भारतीय जनता पार्टी के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय राजेंद्र राणा जी, साथ में उपस्थित नदौन विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय अग्निहोत्री जी, हमारे बीच उपस्थित सुंदरनगर के जुझारू विधायक आदरणीय राकेश जम्बाल जी, सम्मानित मंच, क्योंकि समय का अभाव है सभी ने अपनी बात रखनी है, यहाँ पर उपस्थित माताएं, बहनें, बुजुर्ग, युवा साथी, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप सब यहाँ पे आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आज वैसे भी बहुत बड़ा दिन है, भगवान परशुराम जयंती भी है आज, और आज अक्षय तृतीया भी है। अक्षय तृतीया का महत्व आप सभी समझते हैं, आज ही के दिन महाभारत का युद्ध जो है वो समाप्त हुआ था और आज ही के दिन जो है वो स्वर्ग से धरती लोक पे गंगा मैया का आह्वान हुआ था। और आज ही के दिन आप यहाँ पे इतनी बड़ी भीड़ में एकत्रित हुए हैं, एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं और मुझे लगता है ये इतिहास इस भीड़ ने रच दिया है। मैं
यहाँ पे आदरणीय अनुराग जी ने भी पिछले 10 वर्षों का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल आप सब ने देखा है, हमारे सांसद महोदय का देखा है और राणा जी का भी पिछले 20-22 वर्षों से आपने कार्यकाल देखा हुआ, किस तरह से उन्होंने इस अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए दिन रात एक करके लगातार चले रहे हैं आपकी सेवा में। लेकिन मैं सिर्फ थोड़ी सी बात रखूंगा, 5 मिनट का समय लूंगा क्योंकि राणा जी ने बोला था कि 5 मिनट मिलेंगे बोलने के लिए। 21 अप्रैल 2023 को आदरणीय राणा जी ने सराकड़ में कलजड़ी के पास एक कार्यक्रम रखा, यूथ डे था उस दिन, और इसी सरकार की बात कर रहा हूं मैं, और मुझे वहां पे बुलाया कि आपने वहां पे आना है। मैं तो जहां बुलाते हैं लोगों में भी, जहां पे सुख दुख में मौका मिलता है मैं पहुंच जाता हूं। आदरणीय राणा जी ने बड़े प्रेम से बुलाया, मैंने कहा जी मैं तो आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं कार्यक्रम में चला गया, आप सौभाग्य समझिए या दुर्भाग्य समझिए ये ईश्वर जाने और ये तो जनता तय करेगी, लेकिन आप सोचिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच को सोचिए कि मैं उस कार्यक्रम में, इनके कार्यक्रम में गया जो कि इन्हीं की पार्टी के नेता है, वरिष्ठ नेता है, और मुख्यमंत्री ने उसके बाद अप्रैल से लेकर फरवरी महीने तक मुझे 10 मिनट का समय, जो सदर विधायक हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का, 10 मिनट का समय भी मिलने के लिए नहीं दिया। आप खुद सोचिए, आप तय कीजिए। मुझे बुलाया गया, बोला शिमला आ जाओ, मैं शिमला गया और बोला 10 बजे मिलने आ जाना सुबह 68 में। मैं सुबह 10 बजे बैठ गया, जब माननीय मुख्यमंत्री जी 10:30-11 बजे एंटर किए, मैंने उनको नमस्कार किया, मैं कह सर मैं आ गया हूँ, बोलते आप बैठिए शाम थोड़ी देर बैठिए मिलता हूँ। पूरा दिन चला गया, शाम को 7:30 बजे वहां से जब निकलने लगे, फिर से मैंने उनको अपनी शक्ल दिखाई, मैं कह सर मैं यहीं बैठा था, बोलते कल मिलते हैं, आज बहुत जरूरी काम पड़ गया है। उसके अगले दिन फिर मैं सुबह 10 बजे गया और फिर वही वाक्य उन्होंने पूरा दिन बिठा के रखा, शाम को फिर से बोला कि कल मिलते हैं, आज फिर से बहुत जरूरी काम पड़ गया। इस तरह, और ये मैं झूठ बात नहीं बोल रहा हूँ, किसी भी मन से माननीय मुख्यमंत्री जी बता दें कि उन्होंने मेरे साथ किया कि नहीं किया, ये उनके मंत्री भी जानते और उनके अधिकारी भी जानते हैं। 4 दिन मैं शिमला खड़ा रहा वहां पे, और किसके लिए, अपना आत्मसम्मान भी खत्म किया तो जनता के लिए, अपने हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए, ताकि लोगों के काम करवा सके। जो व्यक्ति जब 4th दिन हो गया, तो 4th दिन शाम को मैं जब दुखी हो गया, मैंने बोला माननीय मुख्यमंत्री जी आप बता दीजिए, मिलना है तब भी ठीक है, नहीं मिलना है तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में, मेरे वहां पे कार्यक्रम है, मुझे वापिस जाना है। तो मुझे बोलते अब ऐसा कर कि 3 महीने बाद 12 तारीख हुआ, मैंने सेक्रेटरीट से निकला, मैं भी बोला मतलब परमात्मा जे तू रहता है 3 महीने हो नहीं, कहने फिर जो भी शक्ल दिख रहे नहीं मिलो, और ईश्वर ने ऐसी परिस्थितियां रची आप सबके समक्ष है। 27 फरवरी को जब वोटिंग हुई राज्यसभा की, तो आप बताइए उस व्यक्ति को कैसे वोट डाल सकते हैं जिसने राम मंदिर के विरुद्ध 26 वर्ष तक केस लड़ा, क्या डाल सकते हैं? और पहला वोट मैंने उस समय डाला और आदरणीय जयराम ठाकुर जी भी वहां पे थे, मैंने इनको उसी समय बधाई दे दी, मैं क्या भगवान ने चाहा तो मेरा वोट कभी हारता नहीं है, और 34 वोट हुए और प्रभु ने अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज की और हमारा कैंडिडेट जो है वो जीता। मैं सिर्फ, और ये हर मंच से बोलते हैं कि मैं गरीब परिवार से हूँ, भाई हम भी गरीब परिवार से हैं, दादा हमारे हवलदार थे, पिताजी ने 39 वर्ष पीडब्ल्यूडी में नौकरी की, हमने मेहनत की, पढ़ाई की और अभी यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति गरीब परिवार से होता है वो और झुका हुआ होता है, लोगों का दुख दर्द समझता है, और ये केवल दुख देना जानते हैं, ये सुख की सरकार नहीं है, ये दुख की सरकार है, और ये मौका है हमारे पास, और ये ईश्वर ने मौका दिया है, जो 5 वर्षों बाद वोट डालने के लिए टाइम आता है वो आपके पास 14 महीने बाद आ गया है, और जब आप ये 6 लोगों को, जो ये 6 उपचुनाव हो रहे हैं, आप इनको जता के भेजेंगे जहां पे मोदी जी की सरकार बनेगी, ये भी पूर्ण विश्वास है कि ये जब 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार आदरणीय मोदी जी बनेंगे तो यहां भी जून महीने में ये सरकार जो है वो चली जाएगी। इनमें इतना भी साहस नहीं है कि ये हमारा चुनाव साथ में करवा सके, आपके सामने ये जाके बोल रहे हैं कि नहीं पैसे ना खर्च पोना, क्यों इन्होंने इस्तीफा दे दिया, अरे भाई आपकी नालायक सरकार में
कोई रहना ही नहीं चाहता है। और क्यों रहे वहां पे जहां पे आत्मसम्मान नहीं हो, जहां पे मुख्यमंत्री मिले ना। आप खुद सोचिए और खुद तय कीजिए कि पूरे जिले में 5 विधायक हैं और 5 विधायकों से 3 विधायक चले गए, ये किसकी नलायकी है, ये आपको तय करना है। जो सीएम विधायकों से नहीं मिलता है, यहाँ पे मैंने कई बार सुना, आदरणीय अनुराग जी ने भी बोला कि भारत माता की आज के इस बहुत ही जोश भरे कार्यक्रम में जो भारतीय जनता पार्टी के उपचुनाव सुजानपुर के लिए हमारे राजेंद्र राणा जी को अपना आशीर्वाद देने के लिए, शुभकामना देने के लिए यहाँ पर आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में हमारे बीच में जिनका भी आपने संबोधन सुना, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आपके इस क्षेत्र को अनेकों बार प्रतिनिधित्व करते हुए इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत बड़ा जिनका योगदान है, ऐसे हमारे इस क्षेत्र के लिए पार्टी के प्रत्याशी भाई राजेंद्र राणा जी हमारे बीच में आप सबकी मदद करने के लिए हमारे सुंदरनगर जिला से आए सुंदरनगर के लोकप्रिय विधायक भाई राकेश जम्वाल जी हमारे बीच में, पूरा विधायक श्री विजय अग्निहोत्री जी और हमीरपुर के हमारे नौजवान साथी, नौजवान विधायक जिन्होंने बड़े जोश भरे शब्दों में अपनी बात कही, भाई आशीष शर्मा जी, पार्टी के साथी सुमित शर्मा जी, नरेंद्र अत्री जी, राकेश सिंह जी, अंजन ठाकुर जी, अर्चना चौहान जी, रजत ठाकुर जी, अनिल कौशल जी और यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और पत्रकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी ओर से और अपनी ओर से, अपने पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के इस उपचुनाव के लिए सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं भाई राजेंद्र राणा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। राजेंद्र राणा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में कोई नया नाम नहीं है, हिमाचल की राजनीति में आप जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कई बार आदमी एक मंदिर की तरफ जाते जाते रास्ते भले ही अलग हो जाते हैं, लेकिन दौर फिर ऐसा भी कभी आ जाता है कि रास्ते फिर इकट्ठा हो जाते हैं जब मंजिल एक होती है। आज ऐसे दौर में भारतीय जनता पार्टी की ओर से आप यहाँ के प्रत्याशी हुए और प्रत्याशी के साथ साथ में हमारे परिवार में आप शामिल होकर के हमको सहयोग कर रहे हैं। आओ उस मंजिल को अब निश्चित रूप से हम हासिल करेंगे जिसके लिए हम सब आगे बढ़ करके काम करते। मुझसे पहले हमारे बड़े साथी बड़े भाई अनुराग ठाकुर जी ने और हमारे छोटे भाई आशीष जी ने बड़ी बात कही है, हिमाचल प्रदेश में पिछले 15 महीने से कांग्रेस पार्टी की सरकार है, सुख की सरकार है। पर मुझे मालूम है कि सुख की अनुभूति कितने लोगों को हुई, किस किस को हुई, लेकिन जो हालात में देख रहा हूँ हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है कि सुख की अनुभूति सुख भाई जी को भी अपने आप में देनी होती है, जिनके एक स्वभाव है
और हम ये मान करके चलते थे ऐसी पृष्ठभूमि का व्यक्ति जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, एक साधारण परिवार से होकर के यहाँ पहुंचे हैं, कुछ अच्छा सोचेंगे और अच्छा सोचेंगे ही नहीं अच्छा करेंगे। लेकिन भाई और बहनों, जिस तरह से शुरुआत की उन्होंने, उस सारी चीज से एक बात मालूम हो गई कि सत्ता का नशा तो 2 साल बाद 3 साल बाद 4 साल बाद आए तो समझ में आता है, लेकिन वो तो पहले ही प्याले में आ गया। कहना उचित नहीं लग रहा है? हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट में पहले ही संस्थान बंद कर दिए जिनका जिक्र यहां पर राजेंद्र राणा जी कर रहे थे। आईपीएच का डिवीजन आपके विधानसभा क्षेत्र में दिया था और उसको बंद करने का औचित्य हमें आज तक समझ में नहीं आया। एक विचित्र परिस्थिति हमने देखी, 1000 संस्थान हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए। और जब मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा भाई मुख्यमंत्री काम करने के लिए होता है, काम बंद करने के लिए नहीं होता है। बोलते काम तो सभी करते हैं लेकिन बंद करने का अपना ही मजा है, वो इसका भी मजा ले, इसका भी आनंद ले। और परिणाम आपके सामने भाई आशीष शर्मा जी ने कहा, ये हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर जिला, छोटा सा जिला, 5 विधानसभा क्षेत्र, 5 में से 4 विधायक कांग्रेस पार्टी के चुन करके आते हैं, 1 निर्दलीय विधायक। और मुझे अच्छी तरह से याद आ रहा है कि लगभग पिछली बार मैं मुख्यमंत्री बना था उस वक्त भी मंडी जिला के हालात भी इसी प्रकार के थे, 10 विधानसभा क्षेत्र, 10 में से 9 भाजपा के विधायक और 1 निर्दलीय विधायक। लेकिन आप देखिए कि हमने 5 साल तक सरकार हिमाचल प्रदेश में चलाई, 9 के 9 भाजपा के विधायक चट्टान की तरह खड़े, लेकिन जो निर्दलीय विधायक भी खड़े थे वो भी हमको समर्थन और सहयोग देते रहे। हर होत्री जी धर्मपुर से हमारे प्रत्याशी रहे, श्री रजत ठाकुर जी यहाँ के सह प्रभारी, भाई सुमित शर्मा जी हमारे प्रदेश के सह प्रभारी, श्री नरेंद्र अत्री जी हमारे सह संयोजक चुनाव के, श्री अनिल ठाकुर जी, श्री राकेश ठाकुर जी, मुझे लगता है मैं नाम लेना लगा तो बड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मुहूर्त भी है, इसलिए सभी मंच पर बैठे सम्मानित मंच पार्टी के सभी पदाधिकारी, मोर्चों प्रकोष्ठों के भी सभी पदाधिकारी और यहाँ पर बैठे मेरे सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के सभी परिवार के मेरे सभी सदस्य, देवियों सजना नौजवान साथियों, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ और फौजी भाइयों को सल्यूट करता हूँ। मैं सिर्फ 5-7 मिनट में बात खत्म कर दूंगा क्योंकि जब से मैं यहाँ पहुंचा हूँ 274 कार्यक्रम छोटी छोटी नुक्कड़ मीटिंगें मैं कर चुका हूँ, आप लोगों से सब बातें कर चुका हूँ कि किस तरीके से 6 विधायकों के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री इन कांग्रेस पार्टी ने बेईमानी करी है, किस तरीके से एक साजिश के तहत 6 चुने हुए विधायकों को बाहर किया है, इसका जवाब जो है बहुत सुजानपुर की जनता जो है 1 जून को करारा जवाब देगी, ऐसा तमाचा लगाएगी वोट के माध्यम से कि आने वाले दिनों में, आने वाले कई वर्षों तक उसकी गूंज रहेगी। मैं आपसे निवेदन करने के लिए आया हूं क्योंकि आज मुहूर्त है, आज हम जयराम ठाकुर जी को सुनना चाहते हैं। मैं तो रोज आपके बीच में बातें कर रहा हूं, किस तरीके से राम मंदिर में जाने से रोका गया, किस तरीके से 97% हिंदू विचारधारा को हराने की बात मुख्यमंत्री ने करी, किस तरीके से बाहर से लोगों को लाकर हिमाचल प्रदेश को बेचने की बात कही। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री को कोई राष्ट्रीय अवार्ड है तो वो सरकार को देना चाहिए, सबसे झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री कोई है तो सुखविंदर सिंह सुखू है। फिर कहते हैं कि मैं तो हमीरपुर से हूँ, अरे हमीरपुर से कहा हो भाई,
आपकी आत्मा, आपका शरीर, आपका मन, आपका तन सब शिमला में बसा है और हम हमीरपुर के लोगों को चुन चुन कर आप निशाना बनाते हैं। आप सुजैनपुर में आदरणीय जयराम ठाकुर जी ने आईपीएच का डिवीजन खोला ताकि सुजैनपुर के लोगों को सुविधा मिले, आपने आते ही बंद कर दिया। बिजली बोर्ड का डिवीजन यहाँ खोला गया, सुखू जी आपने आते ही बंद कर दिया। सुजैनपुर में मैं बार बार विधानसभा में बोलता रहा कि पूरे प्रदेश में आपने सब सिविल हॉस्पिटल्स में आपने स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगा दिए, भाई सुजैनपुर में भी लगा दो, कोई सुनवाई नहीं हुई। मैंने कहा कि सुजैनपुर से संभोग का रास्ता सारा टूट गया, इसको लिए रिपेयर के लिए पैसा दे दो, आपने पैसा नहीं दिया। और यहाँ पर सुजैनपुर में जो नुकसान हुआ उसके लिए भी आपने अनदेखी की। पीडब्ल्यूडी में 3 करोड़ रुपए आया, वो भी आपने वापस ले लिया। इसलिए राजेंद्र राणा का जो इतिहास है, 23 साल 4 महीने हो गए, 23 साल 4 महीने में राजेंद्र राणा ने 23 साल 4 महीने के अपने राजनीतिक और सामाजिक सफर में राजेंद्र राणा ने कभी कोई चश्मा नहीं लगाया कि ये बीजेपी का आदमी है कि कांग्रेस का है, अमीर है, गरीब है, जाति है, धर्म है, मजहब है। राजेंद्र राणा सबके पास पहुंचा है, सबकी मदद करी है। हजारों बच्चे ऐसे हैं, बेटी हैं जिनकी मदद हुई है, ऐसे हजारों लोग ऐसे हैं जिनकी आर्थिक मदद हुई है। हमने 600 महिला मंडल को एक नहीं 7 दफा सम्मानित किया। तो राजेंद्र राणा ने कभी नहीं पूछा कि ये महिला मंडल बीजेपी का है कि कांग्रेस का है। आज आप देखिए हजारों की तादाद में हमारी यहाँ बहनें बैठी हैं, और जब भी मैंने चुनाव लड़ा है यहाँ के फौजी भाइयों ने डटकर साथ दिया है, तो सबसे बड़ा साथ दिया है तो मातृशक्ति ने जो है मेरा साथ दिया है। इसलिए कोई चिंता का विषय नहीं है, मेरा सिर्फ आखिर में निवेदन है जयराम जी को, आप सुनिए, मैं तो आपके बीच में रोज रहूंगा। मेरा आग्रह यही है कि आज 20 दिन बचे हैं, 20 दिन राजेंद्र राणा को भी दे दो और पार्टी को भी दे दो। आने वाले समय में जून महीने में हिमाचल में फिर से डबल इंजन की सरकार बनने जा रही है, और जब डबल इंजन की सरकार बनेगी तो डबल रफ्तार से काम होगा। ये जो अभी वर्तमान में सुखू की कांग्रेस की जो सरकार है इसका इंजन बैठ गया है, इसका इंजन जो इसमें जंग लग गया है। जब जंग लग जाता है तो उसकी रिपेयर नहीं होती है, जाने वाले हैं। ये जून महीने की 10 तारीख के लगभग इनकी पेंशन के कागज तैयार है, इस सरकार का वही हाल है। जब पेशेंट बड़ा सीरियस हो जाता है और डॉक्टर उसको वेंटिलेटर पर ले जाता है और कह देता है कि भाई अपने रिश्तेदारों को टेलीग्राम फोन कर दो, मरीज का कोई पता नहीं है, इस सरकार का वही हाल है, ये जाने वाली है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि इतनी भीड़ देके, इतनी जनता देके कभी अति उत्साह में मत हो जाना। आपसे यही आग्रह है, जितने कार्यकर्ता आए हैं आपकी पहचान आपके बूथ से होगी, जिन जिन कार्यकर्ताओं के बूथ पर लीड आएगी उनका मान सम्मान उतना ही पड़ेगा, और जहां से लीड नहीं आई समझ लेना कि भाई हमारी जो है वो मान सम्मान कम होगा। आपकी पहचान आपका बूथ है, इसलिए इधर उधर दौड़ने की बजाय पहले अपने बूथ को मजबूत करो। लोग भारतीय जनता पार्टी को फिर से हिमाचल प्रदेश में सरकार लाना चाहते हैं, और जो बेमानी हमारे 6 लोगों के साथ इन्होंने करी है आप तो जवाब देंगे ही देंगे। जो ऊपर नीली छतरी वाला बैठा है वो भी करारा जवाब देने वाला है। पहली जून को 2 मशीनें होंगी, एक